अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आबिद काज़मी कादरिया ट्रस्ट से। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तैयब रहमान साहब, उन्होंने आज बर्मिंघम जर्नलिस्ट फोरम के साथ मुलाकात की है। इस सिलसिले में हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये इस मुलाकात में इन्होंने क्या क्या खोया और क्या पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की मुलाकात जो बर्मिंघम के इंतहाई मुखलिस साफ़ी हज़रात थे, जो माशरे के अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको सामने लेके आती हैं और जितनी बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, साफ़ी जो हैं ये हमारी सोसाइटी का एक आम जुज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की महफ़िल में तो हमने बहुत कुछ पाया है, और अगर इसी तरीके से इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ ऐसी मीटिंग्स जो है इनका सिलसिला अगर जारी रहा तो इंशाअल्लाह ताला इसके हमारी सोसाइटी पे दूरदराज असरात मुरतब होंगे। जैसे इस वक्त हमारे सोसाइटी के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रग की तरफ जा रहे हैं, लोग जो हैं वो कत्ल व गारत गरी की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग इस्लाम के लिए चंद शर पसंद अनासर जो हैं वो नासूर बने हुए हैं, तो उनको दूर करने के लिए ऐसी मीटिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुबहानहू व ताला आपको और कुव्वत और जज्बा अता फरमाए। आप इस फोरम को चलाने के लिए जर्नलिस्ट फोरम के साथ क्या तमाम क्या तजवीज़ देना चाह रहे हैं कि कैसे ये अपने काम को आगे चलाएं? इसमें यही मेरी तजावीज़ है कि ये बार बार आपकी मीटिंग्स होती हैं, बार बार जितने साथी आपके हैं ऐसे जो साफ़ी हैं उनको ढूंढें, उनको अपने साथ मिलाएं और साथ मिला के इस तरह अपनी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखें। और हमसे जमात अहले सुन्नत बरतानिया और कादरिया ट्रस्ट से आपको जो मदद की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हर तरह आपके साथ होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।